हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पटेल कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 साइंस में सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर वन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन बोलता है कि लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो हम लोगों को इसमें दो ऑब्जर्वेशन लिखना है कि फेरस सल्फेट को जब ड्राई टेस्ट ट्यूब में गर्म किया जाता है तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सबसे पहले समझते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो इस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि फेरस सल्फेट जो है वो इसमें वाटर मॉलिक्यूल कंटेंट होते हैं, जिसका फार्मूला होता है Fe4.7H2। ये देखिए, ये जो फेरस सल्फेट है इसमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, देखिए यहाँ पे हीट का सिंबल है। तो हीट करने पे ये पहले क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और यहाँ पे ये जो फेरस सल्फेट बनता है, ये फेरस सल्फेट एनहाइड्रस, ये हाइड्रस फेरस सल्फेट होता है, ये हाइड्रस फेरस सल्फेट बनाता है। आप लोग समझ रहे होंगे इसको, अच्छे से मैं समझा रहा हूँ कि ये हाइड्रस फेरस सल्फेट बना लेता है यहाँ पे। और ये जो हाइड्रस फेरस सल्फेट है फिर से इसको हम लोग गर्म करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को पहले समझ लेते हैं। ये पहला रिएक्शन है जब ये जो फेरस सल्फेट है वो गर्म करके, गर्म होके क्या बनता है, वो वाटर मॉलिक्यूल वाला फेरस सल्फेट गर्म होके हाइड्रस फेरस सल्फेट बन जाता है। और जब इस हाइड्रस फेरस सल्फेट को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 2 Fe SO4, इसको हम लोग यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, गर्म करने का सिंबल है, इसमें मैं लिख भी देता हूँ हीट। तो ये बनता है Fe2SO3, फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये कलर होता है इसका ब्राउन। ये देखिए पहला ऑब्जर्वेशन इसमें दिख रहा होगा आपको, पहले ये कलर क्या था, ये यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन में रहता है, ग्रीन से जब ये हाइड्रस फेरस सल्फेट बनता है तो वाइट हो जाता है, ये वाइट कलर में आता है। जब ये वाइट को हम लोग और ज़्यादा हीट करते हैं तो ये ब्राउन ब्राउन कलर में आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब वाइट में रहता है तो गर्म करने पे ब्राउन क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो आयरन है ना बहुत जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे आप लोग भी देखे होंगे जो जंग होता है, जंग या रस्ट, वो लगभग ब्राउन कलर का रहता है। तो ये भी फेरस ऑक्साइड बना लेता है जो कि एक प्रकार का रस्टिंग है। फिर इसमें दो गैस निकालता है, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 निकालता है जो कि होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये दो गैस यहाँ से बाहर निकलता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब ये रिएक्शन जो है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हम लोग साइंस में पढ़े हैं आपके कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कि वहाँ पे एक जो कंपाउंड है वो टूट के, देखिए तीन अलग अलग कंपाउंड में चेंज हो रहा है, तो इस कंपाउंड को हीट करने पे तीन अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। तो ये एक तो और इसमें डिकम्पोज होने के कारण जो हो रहा है उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इसके जो ऑब्जर्वेशन है जो एग्जाम में आपको लिखना है, तो एग्जाम को आपको केवल क्या पूछता है कि खाली ऑब्जर्वेशन पूछता है, तो ये रिएक्शन से ही आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो दो ऑब्जर्वेशन है जिसको आपको राइट डाउन करना है। तो चलिए इसको मैं पहले हटा देता हूँ। तो ऑब्जर्वेशंस में आपको लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको फार्मूला वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है। पहला है कलर चेंजेज फ्रॉम लाइट ग्रीन टू डार्क ब्राउन, किसका कलर चेंज हो रहा है। अभी मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया है कि कलर Fe2SO4 7H2O का चेंज होके क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है Fe2SO3। ये हो लाइट ग्रीन रहता है और ये डार्क ब्राउन रहता है। दूसरा जो है इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैसेस है, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, इसमें आप लोग लिख सकते हैं SO2 एंड SO3। तो ये इसका आंसर है, ये दो एक आंसर आपको लिखना है। अब मैंने इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझाया है, और ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है
फेरस सल्फेट को कैसे गर्म किया जाता है और गर्म करने पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू पटेल कोचिंग यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन।